अंदर यहाँ पे पीछे पर, लेकिन मैं चले जा रहा हूँ चले जा रहा हूँ। और पीछे जो रोड है मैं बहुत ज्यादा छोड़। अभी हम लोग पहुँचे 4:41 हो चुके हैं, अभी तक हम लोग यहाँ ही पे पहुँचे थे। और ट्रेन में जो बहुत ज़्यादा गर्दी और बहुत क्राउड था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे गांव, तो चलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ अपना गांव। पहुँच गए हैं घर पे और ये रहा हमारा घर। तो अभी यहाँ पे अभी शिमला कोई है नहीं, कोई रहता नहीं यहाँ पे। जो है सब वो शहर में ही रहता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। तो ये एक यहाँ पे है और एक वहाँ पे है, दोनों बंगले हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, कोई नहीं, बस आराम से रहो, मस्ती करो, मज़ा करो। यहाँ पे रहता है ना, बहुत खाली है। ये देखो पूरा रोड खाली है यहाँ से लेके, ये एक दो गाड़ी भी मतलब आती रहती है गाड़ियाँ, लेकिन बहुत तेज और ज़्यादातर करके रात को तो बहुत अनवांटेड प्लेस हो जाती है। और ये अभी यहाँ पे ना थोड़ा झाड़ी बढ़ गई है, इसलिए बंगला थोड़ा दिखाई नहीं देता। नहीं तो फिर पहले जब पूजा में आया था, बहुत पहले पूजा में आया तब पूरा झाड़ी वड़ी का मतलब काटा हुआ था बस। तो अभी आपको अंदर से व्यू दिखाते हैं। और ऋतिक भाई साहब ने जिद कर करके इतना परेशान कर दिया है, ये बीच बीच में चलना गाँव चैरेज जो कि कुछ ऐसा दिखता है काफ़ी ज़्यादा। और मैं यहाँ से आपको ताड़ी का पेड़ अच्छे से दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये जो ना इसका शायद से जो भी है, मुझे नहीं लग रहा, पत्ते को काटते हैं और पौधे में से ना ज़रा ज़रा बूंद बूंद के ना पानी गिरता है, जिसको हम ताड़ी कहते हैं, तो वो उसके अंदर गिरता है। मैं आपको ताड़ी दिखाऊंगा। तो ये पीछे जंगल, सब बहुत बड़ा जंगल है। अरे बहुत आगे तक है शायद से, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। और वो देखो, मेरे को ज़्यादा कुछ बोलने नहीं हो रहा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो हम करते हैं पहले पेट पूजा और फिर आपको अच्छे से विस्तार से ब्लॉग का सारी चीज़ें बताएंगे, इन्फॉर्मेशन सब बताएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। ठीक, अगर यहाँ पे रहता है तो रह सकता है। जस्ट अभी गांव में पहुँचे हैं यहाँ पे हम खाना खाने आए हैं और इसके बाद हम जाएंगे वापस अपने घर पे। पर यहाँ पे ना लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ और थोड़ा नर्वस हो रहा है इसके लिए। का है हाँ, तो हम लोग सब लोग आए, इतने लाइट नहीं ना। तो हाँ, घर ही दाखो तो बिस्तर है का। अभी चलते हैं घर पे और फिर मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमारे गांव आने का प्लान कैसे बना, तो दो दिन से कुछ प्लान कर रहे थे कि गांव जाने का या नहीं जाने का करके ही प्लान चल रहे थे। उसके बाद ऋतिक और फिर हम लोगों ने ज़रा पुश किया और जिद किया और पापा मम्मी को भी टाइम था दो दिन का, तो फिर इसलिए बोले तो चलो चलते हैं गांव। तो उसी के साथ साथ दो मौसी भी, जो उन्हें भी आना था, तो वो भी हमारे साथ गांव आई और हम घूम रहे गांव। अरे काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। और ये हमारा बंगला है, ये एक यहाँ पे और एक वहाँ पे भी, और ये मेरे पापा के मम्मी का गांव है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं और घूम रहे हैं। और जैसे कि मैंने आगे के वीडियो में मतलब आगे के व्लॉग में ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि ना मैं थोड़ा मतलब हम लोग आए थे तो थोड़ा थक गए थे, क्योंकि ट्रेन में पता है ना यार विरार ट्रेन और फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद धानू ट्रेन में बहुत ज़्यादा गर्दी रहती है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया इसके लिए। और मैं थक गया और फिर ट्रेन में मुझे कुछ शूट करने के लिए अच्छा नहीं लगा। यहाँ से लाइटिंग अच्छी आ रही होगी, यहाँ पे भी है लोग रहते हैं पर लेकिन कम है। अंदर मार्केट लगता है। और ये है जो एक रोड है, मतलब शॉर्टकट है, पापा बोल रहे थे कि कौन से साइड के लिए, तो ये शॉर्टकट रोड है, तो इसके लिए यहाँ से लोग जाते रहते हैं, तो अच्छा है। और फिर यहाँ पे कुछ शॉप भी तो है नहीं, तो अपने को सब पहले से स्टेशन से यहाँ पे ला के रखना पड़ता है। तो अभी गए हैं पापा नीचे, तो हम चलते हैं नीचे, यहाँ पे धूप बहुत है पहले तो। तो यहाँ पे जो है ना ये सब ना, ये जो अज्जी ने ना, मेरे अज्जी ने यहाँ पे सब तुलसी लगाया। कौन सी तुलसी है? कृष्णा। तो ये कृष्णा तुलसी है, पूरा अज्जी ने यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे देखो क्या अच्छा, इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, पता नहीं मेरे को भी, मेरे को तो खुशबू नहीं आ रही है, बट आती होगी।
आती होगी। अच्छा सच में मेरा नाक खराब है शायद। देखो यहाँ पे ना पूरा जंगल जंगल हो गया है, यहाँ पे जैसे ना कोई आता आता है नहीं, तो फिर यहाँ पे देखभाल करने के लिए कोई है नहीं बंगलों का, इसकी वजह से यहाँ पे जंगल टाइप हो जाता है। यार जो बंगला है ये मेरे चाचा का बंगला है, तो हम इसमें जाते हैं अभी। खुला है, हाँ खुला ही है, तो हम इसमें चलते हैं। इसमें थोड़ा अभी और काम कराना बाकी है, इस वाले बंगले में शायद से थोड़ा वायरिंग वेयरिंग का काम शायद से बाकी है। इसको भी साफ कर दिए, देखो ये इसका हॉल है, एंट्री से दिखा दो, ये इसका हॉल है और शायद से ये एक बेडरूम है और ये भी एक बेडरूम है जो कि लॉक्ड है, और यहाँ पे इसका किचन है, इस वाले ऑप्शन में इसका किचन आता है। देखो ये अपना किचन है, यहाँ पे हम कुछ बना सकते हैं, और ये इसका टेरेज है। अरे शायद से पेंटिंग मेरे चाचा ने की है, वो पेंटर है, उन्हें काफ़ी अच्छी पेंटिंग वेंटिंग जो है वो आती है, उस वाले घर में भी उन्होंने पेंटिंग की है, एक प्रोफेशनल पेंटर है वो। एक वक्त मिलेगा तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगा ज़रूर। जो क्या है हम कर रहे हैं, और मम्मी और मौसी नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहाँ दादा का मच्छी? अरे नॉन वेज लोगो भगवान। तो ये पप्पा भी गए थे मार्केट, फिश मार्केट, तो वहाँ से इतनी सारी मच्छी लेके आ गए हैं, बहुत ज़्यादा मच्छी है, मेरे को पता नहीं नाम भी मच्छी का कुछ पता नहीं है। इधर भी एक मच्छी है, फिश मार्केट से जाके बहुत टाइम लगा मच्छी लाने में। अब कैसा है ना मैं देना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ आती है, और पूरे पूरे के पूरे रोड पे कोई है नहीं ऑलमोस्ट, और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड आती है, तो ज़रा ध्यान देख के चलना पड़ेगा हमें। शायद से बीच है, मैं गूगल मैप पे देखा हूँ तो बीच है, पापा ने भी बताया था कि अंदर यहाँ पे बीच है, पर लेकिन मैं चले जा रहा हूँ, और पीछे जो रोड है मैं बहुत ज़्यादा छोड़ चुका हूँ पीछे रोड। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं चल जाऊंगा, पर जब मैं थक जाऊंगा तो मुझे वापस से उतना ही पीछे तक जाना है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इसमें आ तो गया हूँ, तो मुझे लगता है मेरे को नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो समुद्र है वो काफ़ी ही ज़्यादा दूर है, बहुत दूर है, ऑलमोस्ट मैं बीच पे ही हूँ, पर पानी जो है वो बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा, मैं उधर तक नहीं चल सकता इतना सिर्फ पानी के लिए, पर देखने के लिए आना था तो इसलिए मैं आया। पानी बहुत ज्यादा नीचे चले गया। मैं थक गया अभी, मेरे को फिर से उतना चलना है, और यही है घर में बैठने से मैं सोचा कि बाहर चल लेता हूँ, कुछ नहीं धीरे ऐसे ही चलते 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 पहुँच जाएंगे। और ज़रा वाइट एंगल से हम निकलते तो कितना बड़ा है, देखो सामने पूरा बीच देखो किधर तक है, कोई नहीं है एकदम कोई नहीं, मतलब यहाँ यहाँ पे देखो घर दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे आपको घर दिख रहे होंगे, यहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब वो तो मछुआरे लोग यहीं पे रहते हैं, बट लेकिन यहाँ पे देखो पूरा खाली, गांव के समुद्र का मतलब गांव के बीच का ऐसा ये रहता है, बट इन लोग मच्छी वच्छी पकड़ते, और हमारे यहाँ पे बीच में लोग घूमने के लिए जाते हैं, इसके लिए जाते हैं, ऐसा है। अच्छा तो लग ही रहा है, पानी बहुत नीचे है यार, पानी थोड़ा ऊपर है तो ना ज़रा अच्छा लगता। तो अब हम चलते हैं, थक गया हूँ मैं ज़रा, क्योंकि अभी हमें सीधे 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 बहुत ज़्यादा चलना है। ठीक है, इसमें अभी आ गया घर पे, तो लिफ्ट मांग के हम जरा इधर तक आ गए, और इन लोग अब तक इधर ही बैठे, कब से पिक्चर ही देखे जा रहे हैं। थोड़ा सोचा तो कि आने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैं सोचा अगर दो तीन जन से कोई आ रहा होगा खाली तो उससे लिफ्ट मांगूंगा, तो मांगा लिफ्ट,
तो फिर वहीं से हम लोग आगे, और थोड़ा थक गया था अभी तो जाते हैं, अभी वापस बाहर निकल रहा हूँ, तो इससे अच्छा हम जाते हैं घर पे, थोड़ा रेस्ट करता हूँ और फिर मिलता है। और अब तक पानी जो है वो चढ़ी रहा है टाकी में, और जो है हमारा, हाँ बगू शॉपनर के लिए विजिट कर रहे हैं, और मम्मी और मौसी यहाँ पे खाना बना रही है, जो कि मच्छी बन रहा है, मच्छी फ्राई। और ये पीछे का जंगल है पूरा, मैं तिथे गेला था समुद्र कड़े, और पानी पूरा खाली गेले, एकदम खाली तिथे, हे का शोध शिपी काढता ते लोक, हा शिंपला काढता ते। अरे पण डॉगी अभी यहाँ पे सो गया, ये पहले उधर था खेल रहा है, मतलब वहां पे सोया था, तो इसको खाने के लिए दिया। उधर था अभी सांप जैसा मोमो, उधर तो कुछ तो ये जो पहले ना पहले अभी जस्ट उधर था, अभी मैं जस्ट उधर था, अभी कुछ तो अंगूर का झाड़ था उसमें खत्म हो गया, तो मैं डाल रहा था मट्टी में, अचानक झाड़ ऐसा हिल रहा था, ऐसा लगा सांप है। गेट वो सब खिड़की बंद किया, तो ये जो पत्रा है ना उसका आवाज आ रहा है, वो एक साइड से टूट गया ना, तो उसका हवा आता है ना, उसका आवाज आ रहा है, तो अभी ये सो रहा है। मैंने सोचा कि कब से हम ब्लॉग बनाए जा रहे हैं, पर लेकिन ब्लॉग काफी ज्यादा बड़ा बन जाएगा, और हमने अब तक एंड भी नहीं किया, तो बस आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कुछ कहना कुछ बताना तो कमेंट बॉक्स आपका ही है, और नेक्स्ट व्लॉग कल आएगा तो कल भी अपडेटेड रहना। थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग एंड बेबी यू गिव मी आइस एंड फायर, यू गिव मी विंड एंड रेन, यू सम काइंड ऑफ बटरफ्लाई। My appetite, don't leave me here.